हाय फ्रेंड्स। ओके, आज मैं टाटा नेक्सन का जो फ्रंट का जो ग्रिल है उधर जो ट्राई एरो जो है उसमें सिल्वर कलर पेंट कर रहा हूँ। तो भाई ने बोला कि हम एक्सम जो एक्सीसेट प्लस है वो मॉडल जैसा हम बनाया गया था वो रहा, तो स्प्रे पेंट लेके आया था। तो मैं अभी ऑलरेडी जो प्लास्टिक है वो ग्रिल के पीछे मैं ऑलरेडी घुसा चुका हूँ, क्योंकि पीछे जो रेडिएटर है अभी जो मार दिया तो रेडिएटर में पेन लगेगा, तो मैं प्लास्टिक लेके आया वो पीछे पूरा कवर किया हूँ। और उसके बाद अभी भाई जो मास्क में देखने में नहीं मिला था तो सेलो टेप डाल के जिधर पेन नहीं लगना है वो जगह पे अभी टेप चिपका रहा हूँ, लेकिन बेहतर है कि मास्किंग टेप चिपका हो तो बेहतर होगा। और अभी 3 कोट मारने का प्लान है। तो भाई ने बोला कि नीचे बम्पर पे भी मारेंगे, मैं बोला कि अभी उसका ज़रूरत नहीं है। तो उधर कुछ पानी जो गटर से कुछ पानी कुछ गिर गया तो वो अलग सा दिखेगा, वो सिल्वर कलर है इसके वजह से, और पेंट उतना क्वालिटी का भी नहीं होता। तो बेहतर है कि खाली वो जो ट्रायर जो शेप है उसके अंदर ही मारो, तो वो अभी कर रहा हूँ। तो 3 कोट होने के बाद भी चेक करेगा कि वो अच्छा है या नहीं, और 1 कोट का ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी 3 कोट मारा था तो अभी अच्छा दिख रहा है। और 240 रुपीज़ कुछ हुआ था वो एक बॉटल स्प्रे पेंट के लिए, इसके बाद भी नियर 50% के ऊपर अभी भी बाकी है। और अभी जो हमने पेंट मार रहा था, हमारा एक कुत्ता है उसका नाम हची है, वो आके कार के नीचे आके लेटा था, हमने नहीं देखा था वो, उसको कार के नीचे सोना बहुत पसंद है। तो अचानक वो अंदर से आ गया, टायर के लकी है कि वो एकदम सेंटर पे था और टायर के नीचे हुआ तो अभी कुछ हुआ होता उसको। और अभी लुक भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी लोग ट्राई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जी, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।